हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स में 22। आज मैं आपसे बात करूंगा आधार कार्ड में नया चीज क्या है। इससे पहले के दो आधार वीडियोस में मैंने बताया था कि आधार वर्चुअल आईडी क्या होता है और उसके बेनिफिट्स। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी आप ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने 16 डिजिट के वर्चुअल आईडी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो चलिए गूगल पे टाइप कर लेते हैं UIDAI। उसके बाद आप जो वेबसाइट देख रहे हैं UIDAI.gov.in, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आधार इनरोलमेंट के नीचे में देख सकते हैं डाउनलोड आधार है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि आप ई आधार लेटर के लिए 8 डिजिट का पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने आधार कार्ड को 3 मेथड से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आधार नंबर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वर्चुअल आईडी, उसके बाद एनरोलमेंट आईडी के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल आईडी के थ्रू आप कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मैं वर्चुअल आईडी पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पे आपको अपना 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी इंटर करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूं अपना 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी। उसके बाद नाम, उसके बाद आपको पिन कोड इंटर करना है, फिर आपको सिक्योरिटी कोड इंटर करना है। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं डी यू हैव TOTP। अगर आप एम आधार का यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे TOTP शो हो रहा होगा, आप TOTP के जरिए भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको OTP के जरिए बताऊंगा, तो चलिए मैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 time पासवर्ड भेजा जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। तो चलिए मैं 6 डिजिट का 1 time पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद डाउनलोड आधार पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैंने एक अलग फोल्डर में रखा है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बना के इंटर करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर आप अभी नया आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो आधार नंबर के नीचे 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी मिलेगा, वर्चुअल आईडी जो कि आधार नंबर का अल्टरनेट है। आप यहां पे देख सकते हैं 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। आप इस वर्चुअल आईडी को कभी भी आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और टेक वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।